सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, इस लॉकडाउन में आप भी कहीं ना कहीं बोर हो रहे होंगे एंड आपके पास भी एक पटैटो पीसी है, एक आलू वाला पीसी है और उसमें कुछ आप इंटरेस्टिंग ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं जो कि बिना लैग और बिना किसी इशू के चले, तो भैया ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 5 ओपन वर्ल्ड गेम लेके आया हूं जो कि आपके पटैटो पीसी में आराम से रन करेंगे, चाहे आपके पास 1 GB रैम हो, चाहे आपके पास 2 GB रैम हो और ग्राफिक कार्ड के नाम पे कुछ भी ना हो, तो भी आप इन सभी गेम को आराम से खेल सकते हैं। एंड एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, इन 5 गेम में से आपको कोई भी एक गेम पसंद आता हो प्लीज नीचे लिंक है जाके इंस्टॉल कर लें एंड और भी नए गेम्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल। फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल गाइस, लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला गेम निकल के आता है उसका नाम है टेस्ट ट्रैवल अनलिमिटेड 2। तो वेल गाइस, टेस्ट ट्रैवल अनलिमिटेड 2 एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया ईडन गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया अटारी। एंड वेल गाइस, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे पीसी, प्लेस्टेशन 3 एंड एक्सबॉक्स में आराम से खेल सकते हो। साथ इस गेम को रिलीज किया गया था 11 फरवरी 2011 को। गेम की मोड की बात करें दोस्तों, इस गेम में आप सिंगल प्लेयर प्लस मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। इस गेम के बारे में थोड़ा मैं और डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों, इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। सर, इस गेम में आपको टोटली ओपन वर्ल्ड का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया, गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, मतलब आपके लो एंड से लो एंड पीसी या लैपटॉप पे ये गेम आराम से चल जाएगा। तो वेल गाइस, इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 200 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो 8 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपना पीसी या लैपटॉप पे। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। वेल गाइस, अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम की। तो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है फ्यूल। एंड दोस्तों, फ्यूल एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है। हाँ, ये एक रेसिंग वीडियो गेम है, बट दोस्तों अगर आप इस गेम को खेलते हो तो भाई आपको लगेगा कि नहीं मैं एक रेसिंग गेम खेल रहा हूँ, मतलब इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा एंड पूरा ओपन वर्ल्ड का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा दोस्तों। इस गेम को डेवलप किया गया था ESBO स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है कोड मास्टर के द्वारा। एंड सो वेल गाइस, इस गेम को रिलीज किया गया था June 5, 2009 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे विंडोज पे खेल सकते हो, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन 3, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए गेम उपलब्ध है। साथ ही साथ गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं, इसका मतलब ये गेम मल्टीप्लेयर भी है। एंड इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा मैप है, जब आप इस गेम को खेलोगे तभी जाके आप इस गेम का मैप को एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो वेल गाइस, इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वेल गाइस, रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 250 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो दोस्तों 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। एंड प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। तो वेल गाइस, इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे तो कूद फान के भाई सुपरमैन जैसे मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है जस्ट कॉज 2। एंड दोस्तों, जस्ट कॉज 2 एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया एवलांस स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इडोस इंटरैक्टिव के द्वारा। एंड दोस्तों, ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आपके प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। गेम की मोड की बात करें तो भैया ये सिंगल प्लेयर है, स्टोरी लाइन मिशन गेम है जिसमें कि आपको यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करना रहता है। एंड दोस्तों, साथ ही साथ गेम की मैप की बात करें तो गेम का मैप काफ़ी आपको यहाँ पर बड़ा देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलने वाला है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बता दूँ। गेम्स रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल ड्यूअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम का कंप्लीट एडिशन को इंस्टॉल करना है तो कूद फान के मेरे वेबसाइट पर जाएं एंड अपना गेम को ग्रैब कर लें। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है Arma 3। एंड दोस्तों, Arma 3 की बात करें दोस्तों, Arma 3 एक ओपन वर्ल्ड मिलिट्री बेस्ड शूटिंग वीडियो गेम है
जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया बोहेमिया इंटरएक्टिव के द्वारा एंड इस गेम को रिलीज किया गया था सितंबर 12, 2013 को। साथ ही साथ सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे विंडोज, मैक एंड लिनक्स में भी आराम से खेल सकते हो। की बात करें तो भैया इसमें आप सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे मल्टीप्लेयर में खेल सकते हो। गेम की मैप की बात करें तो भैया मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने GTA 5 खेला है तो भैया 3 गुना ज्यादा बड़ा मैप है आर्मा 3 का, तो काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड शूटिंग वीडियो गेम है, तो मतलब काफी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है गेम। जरूर से एक बार ट्राई करना। आर्मा 3 एक मिलिट्री शूटिंग वीडियो गेम है, बेसिकली यहाँ पर सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको अपना मिशंस को कंप्लीट करना रहता है एंड अपने एनिमी को मारना रहता है। आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का व्यू का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है एंड दोस्तों इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम है। एंड वेल इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 11GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इसका भी लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे तो भाई वेट किस बात का, जल्दी से खुद फान के मेरे वेबसाइट पे जाएं एंड अपने गेम को इंस्टॉल कर लें। वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे आखिरी एंड फिफ्थ नंबर वाले गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है सैन थ्रो 2। एंड सो सैन थ्रो 2 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैल्यूएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। दोस्तों सैन थ्रो सीरीज का सेकेंड गेम है एंड इस गेम को रिलीज किया गया था अक्टूबर 2008 को। ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड अपने PC के लिए भी खेल सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर में भी आता है एंड इसे आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक GTA सीरीज के फैन है तो भैया सेम गेम आपको इसमें मिलने वाला है एंड इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफ़ी ओपी है। एंड अगर आपके पास एक लो एंड PC है तो भैया ये गेम आप पे सोने पे सुहागा है, मतलब ये गेम आप पे मक्खन जैसा चलेगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है यार, मतलब पूरा स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है। आफ्टर मिशन यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, मार पीट सकते हो, घूम फिर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो। तो वेल गाइस इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 128MB बस होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इसको भी इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। यही कुछ 5 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके लो एंड PC के लिए। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो भाई इन सभी गेम को खेले नहीं है या उनके पास भी एक लो एंड PC है। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक ले जय हिंद।